जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं बात करूंगा हेडलाइंस की। हेडलाइंस में दोस्तों नॉशनल इंक्रीमेंट के ऊपर आखिर क्या है आदेश और केंद्रीय कर्मचारियों को अब होगा फायदा, यानी जबरदस्त लड़ाई के बाद जीत, ये लेटर आपके लिए, हम सबके लिए। और दूसरी बात कहूंगा दोस्तों, एक आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर, यदि आपके वार्ड्स और बच्चे आप पीओ यानी प्रोविजनरी ऑफिसर बैंक में बनना चाहते हैं तो उनकी ट्रेनिंग के लिए पूरी है खुली छूट। और पहली बार सीडीएस अनिल चौहान साहब ने कहा कि भारत दुनिया पर राज्य करेगा, और उन्होंने रक्षा और अंतरिक्ष के बारे में क्या कहा वो हम देखते हैं। तो दोस्तों आइए खबरें करते हैं विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा नॉशनल इंक्रीमेंट की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे केंद्रीय कर्मचारी जो रिटायर्ड हुए होंगे 30 जून को या रिटायर्ड हुए होंगे 31 दिसंबर को, और रिटायर्ड के बाद उन्हें मिलने वाला जो उनका नॉशनल इंक्रीमेंट है 1 जुलाई और 1 जनवरी, इसका किसी को फायदा नहीं मिल रहा था, लेकिन इसकी जद्दोजहद लगातार थी। लेकिन इसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीधा आदेश दिया है और वो अब लागू हो गया है। यानी क्या पुराने लोग जिन्होंने केस किया था उनको फायदा मिलेगा, क्या इसके ऊपर क्या संभावना है, आखिर लेटर में क्या लिखा है जरा देखते हैं। सबसे पहले लेटर है सर्कुलर नंबर 2 और है लिखा है ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल सीजीडीए दीनदयाल नगर उपाध्याय, भारत के नियंत्रक एक लेखा परीक्षक कार्यालय, और ये ऑल हेड ऑफिस और पीजी कमर्शियल डायरेक्टर ग्रांट ऑफ नेशनल इंक्रीमेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रिटायरिंग फ्रॉम सर्विस ऑन 30 जून अबलिक 31 दिसंबर। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो लोग रिटायर्ड हुए हैं 30 जून को या 31 दिसंबर को, उन्हें नेशनल इंक्रीमेंट यानी जो उनके बेसिक पे का 3% है यानी उसका आधा करेंगे तो 1.5% पेंशन में सीधा सीधा फायदा। लिखा है द ऑनरेबल, उन्होंने सीधा लिखा है द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड अलाउड द ग्रांट ऑफ वन एनुअल इंक्रीमेंट टू द पिटिशनर रिटायरिंग 30th June / 31st December which they earned on the last day of their service for rendering 1 year qualifying service preceding 1 year to be date of retirement। उन्होंने कहा है कि जब वो रिटायर हुए हैं तो वो अपना एक साल का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, तो it has been decided to extend the benefit to one annual increment with monetary benefit to all the employees retiring from service on 30th June and 31st December on completion of 1 year qualifying service। उन्होंने कहा है कि ये डिसाइड किया गया है कि जो लोग पूरी एक साल अपनी सर्विस करते हैं और उनका एनुअल इंक्रीमेंट ड्यू है, चाहे वो रिटायर्ड हो रहे हैं 30 जून को या 31 दिसंबर, उन्हें इसका बेनिफिट मिलेगा। उन्होंने लिखा है ऑन कंप्लीशन ऑफ वन ईयर क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन एंड पेंशनरी बेनिफिट इन रेस्पेक्ट ऑफ वेदर दे आर पार्टी अवेलिक एप्लीकेंट टू ए कोर्ट केस या नॉट with respect to said matter provided such affected official are otherwise eligible for the same। उन्होंने कहा या तो इन्होंने केस किया या नहीं किया, लेकिन सब बेनिफिशियर होंगे, सब हकदार होंगे। However, the said benefit shall be granted only those official who have retired या who will retiring from service after the date of order, the Honorable Supreme Court dated 11/4/2023। Either the official retired on retiring from 30th June and onwards, compliance of the above please ensure all, नीचे लिखा है, और ये प्रभावी है 11 अप्रैल 2023 से, यानी उसके बाद जो रिटायर हुए हैं या रिटायर होंगे। तो दोस्तों आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, यानी जो लड़ाई कहते हैं इनका, किसी लड़ाई का असर क्या होता है, यानी भूतपूर्व सैनिकों ने लड़ाई लड़ी, केंद्रीय कर्मचारियों ने लड़ाई लड़ी, आखिर इसकी विजय हुई। विजय कोई बात नहीं, पुराने लोगों को फायदा न हुआ, लेकिन ये जनरेशन है इनको अब फायदा होगा, ये आपके लिए खुशी की बात है। ये आपकी लड़ाई औरों ने लड़ी, लेकिन इसका फायदा होगा, आप भी हमारे भाई हो। इस तरीके की, चाहे आप नेशनल इंक्रीमेंट की लड़ाई हो, चाहे प्रीमैच्योर रिटायरमेंट की लड़ाई हो, चाहे वन रैंक वन पेंशन की लड़ाई हो, चाहे इक्वल MSP की लड़ाई हो, जब तक आप जमीन पर लड़ते हैं, चाहे आप सम्मानी कोर्ट में आपका मसला जाता है तो कहीं ना कहीं आपकी सुनवाई होती, भले उन लोगों ने लड़ाई लड़ी उनको फायदा ना हो, लेकिन आने वाले लोगों को फायदा होता है। ये लेटर इस बात का गवाह है, इसलिए यूनाइटेड रहिए और अपने हकों के लिए संघर्ष करके आगे बढ़ते रहिए। न्याय जरूर मिलेगा, देर है अंधेर नहीं, इस बात का सबूत है दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, आप बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि एक जबरदस्त है जो भी सीधा सीधा है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पर्सनल सर्विसेज एडजुटेंट जनरल ब्रांच इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर MOD डिफेंस ऑफिस, ये है 15 अप्रैल 2024। सभी कमांड को सर्कुलेट किया गया है, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न, सेंट्रल, साउथ,
दोस्तों इसमें लिखा है प्रोफेशनरी ऑफिसर प्रोग्राम ऑफर्ड बाय आईसीआईसीआई बैंक फॉर द वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सन इंक्लूडिंग पेंशनर। यदि आप सेना में कर्मचारी हैं या आप पेंशनर हैं या आपके बच्चे हैं तो ये एक प्रोग्राम है, आप इसको अटेंड करिए। आईसीआईसी बैंक हैज प्रिमरी ऑफिसर पीओ जैसे बोलते हैं प्रोग्राम द वार्ड्स ऑफ ऑल सर्विंग एंड रिटायर्ड पर्सन। उन्होंने कहा है हाईलाइट द यूनिक ऑफर आजर अंडर वार्ड्स ऑफ सर्विंग एंड रिटायर्ड पर्सन बिलो 27 ईयर्स ऑफ एज आर एलिजिबल अप्लाई। 27 साल से कम आपका लड़का है लड़की है। दे शुड हैव सिक्योर्ड मिनिमम 55 मार्क्स इन ग्रेजुएशन ऑफ एनी डिसिप्लिन स्ट्रीम। उनका ग्रेजुएशन जो भी उन्होंने किया है बीकॉम किया है जो भी किया है तो उसका कम से कम 55% मार्क्स होनी चाहिए। दे आर रिक्वायर्ड टू अपियर फॉर ए ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट फॉलोड ऑनलाइन इंटरव्यू लिंक टू अप्लाई ऑफ पीओ प्रोग्राम अदर डिटेल। उन्होंने एक लिंक दिया है www.icicareers.mob/defense-site है, उस पर जाके आप अपना एक एप्टीट्यूड टेस्ट दीजिए। पोस्ट सक्सेसफुल कंप्लीशन टेस्ट द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इज बैंकिंग विल अवार्डेड। उसके बाद आप इसमें बैंक आपको डिप्लोमा अवार्ड करेगी। ये वन टाइम फीस आपकी है जो आप देख सकते हो इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस बी चार्ज ऑफ ट्यूशन फीस 2.55। उन्होंने लिखा है आउटिंग वन ईयर कोर्स दे विल बी फिक्स। उन्होंने कहा है आपका एक साल का कोर्स है लगभग इसमें 4 लाख कुछ खर्चा आएंगे। पोस्ट सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ कोर्स दे विल ऑफर टू ज्वाइन ऐसे बैंक प्रोविनी अफसर विथ सैलरी 4.2 लाख। और उन्होंने कहा यदि आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो ICICI बैंक आपको अपनी बैंक में प्रोविजनल अफसर भी बनाएगी और 4,20,000 का पैकेज देगी, एनुअली पैकेज देगी। द स्कीम मेंशन प्लीज बी गिवन ऑन सुधाकर ठाकुर कर्नल। यानी एक ऑफिशियल लेटर है आर्मी हेडक्वार्टर से निकला है, ICICI बैंक से इसका कॉन्ट्रैक्ट है। यदि आपके बच्चे बाढ़ या खुद या पेंशनर हैं आप पीओ का कोर्स करना चाहते हो तो ICICI बैंक में एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, आप पास करोगे फिर आप एक साल का कोर्स करोगे, आपको वहाँ का सर्टिफिकेट मिलेगा और वहाँ नौकरी भी मिलेगी और जिसके लिए उन्होंने बोला है करीब 4.5 लाख रुपए आपको एनुअल पैकेज मिलेगा। ये है इसका दोस्तों कंक्लूजन है, दोस्तों इसका जो भी है फायदा उठा सकते हो। अब मैं बात करूंगा पहली बार CDS हमारे जनरल अनिल चौहान साहब ने बोला है कि भारतीय सेना लगातार मजबूत हो रही है और रक्षा क्षेत्र में हम दूसरों को आप समझ सकते हो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि अब हमें अंतरिक्ष पे भी ध्यान देना है और उन्होंने कहा है कि लड़ाई की कोई सीमा नहीं होती कि किस देश की सीमा है, आपको अंतरिक्ष तक की तैयारी करनी पड़ेगी। और इसके ऊपर एक बड़ी सेमिनार में उन्होंने एक जबरदस्त बात कही कि जल्द ही भारत अन्य देशों को सेवा प्रदाता बनेगा। यानी आपको उन्होंने कहा यहाँ इंडियन डिफेंस सिंपोजियम 2024 को संबोधित करते हुए जनरल चौहान ने कहा कि अंतरिक्ष को अंतिम सीमा कहा जाता है, यानी जमीन पर लड़ाई है लेकिन आपको आसमान पर यहाँ बैठे चीजें कंट्रोल करनी आनी चाहिए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने गुरुवार को कहा कि वह दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया में प्रमुख सेवादाताओं में से एक बनकर उभरेगा। जनरल चौहान ने इंडियन डिफेंस स्पेस सिंपोजियम के कार्यक्रम में कहा अंतरिक्ष को अंतिम सीमा कहा जाता है। उन्होंने ये कहा हमारे पास कई आशाजनक स्टार्टअप हैं जो रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में उत्कृष्ट काम कर रहे हैं जो कुछ साल पहले अकल्पनीय था। मैं देख सकता हूं कि हर किसी के विकास के लिए पर्याप्त जगह। मैं अंतरिक्ष क्षेत्र में सभी स्टार्टअप को शुभकामनाएं देता हूं यूनिकॉर्न बनने के लिए और फिर आने वाले समय में वैश्विक साझेदारी के रूप में फलने फूलने के लिए, उन्होंने कहा है। उन्होंने DRDO के लिए जो अंतरिक्ष का प्रोग्राम उसकी सराहना की और देश में सेना को और सशक्त करने के लिए उन्होंने कहा है कि लड़ाई का कोई पैमाना नहीं है, लड़ाई की कोई सीमा नहीं, इसलिए आपको जमीन पर और हर तरीके से तैयार रहना होगा। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद। Space is called as the final frontier. Space is infinite in its expanse and it's also expanding. Like all other frontiers, it is difficult to define its edges very clearly. Mankind has a long way to go to unravel the mysteries of space. India wants to be part of that journey. This was evident when our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi introduced the cosmonauts under training to India and to the world. They are part of the Gaganyaan program, Indian space mission to demonstrate human space flight capability. Space is also referred to as emerging domain of warfare. I believe that is already an established domain of warfare. My belief is premised on the fast-paced development occurring in this particular domain. History of warfare has taught us that in any war, the initial contest generally occurs in a new domain.
The new domain also influences the battle in older domains. For example, initially, the naval power was able to influence battles on land. Later, air power influenced war at the land and the seas. It's my belief that now space will cast its influence on air, maritime, and land domains. There is, however, a subtle difference in the traditional domains of warfare and space. Combatants do not reside in space, unlike land, sea, and air, where they live and fight. Currently, activities in space are controlled from land. This makes exploitation of space an interesting phenomenon. It's an uncharted territory where concepts of combat are yet to evolve and mature. Space is also a global common and must be used for the benefit of mankind. It being a global common, there can be no concept of sovereignty in space. The rules what constitute an infringement of national interest is also yet to evolve. Space requires capacity development, not only in the physical domain, but also in development of new concepts. All this will require a legal and academic viewpoint and an approach. The development of legal and academic viewpoint is equally important for a developing nation like India. However, a voice can only be heard once we emerge as a major space power with proven capabilities. India has proven its nascent capabilities